Hello everyone, today we will start a new chapter of economics of class 10th. The name of the chapter is Sectors of the Indian Economy. So let's start. Look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़ इन सभी एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं जो हर समय अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो अभी भी हर कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन इसका एक तरीका है कि अगर हम इनको क्लासीफाई कर दें इनको अगर हम डिवाइड कर दें इनकी इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग तब हम इसे समझ सकते हैं एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स और हम इन्हें क्या कहेंगे सेक्टर्स सो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉटन को लेते हैं कॉटन इज़ अ क्रॉप सो ये जो है एक क्रॉपिंग सीजन प्रोसेस होता है वेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाई एक्सप्लोइटिंग द नेचुरल रिसोर्सिज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर और अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं अगर कुछ बनाते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर सो दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट इज सब्सिक्वेंटली मेथ इसलिए इसको प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आगे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी का बेस है अगर जैसे कॉटन की मैं बात कर रही हूँ कॉटन अगर क्रॉप ग्रो होगी सबसे पहले अगर वो ग्रो होगी तभी उससे क्लोथ बनेगा ठीक है तो दिस इज़ द प्राइमरी सेक्टर सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट पार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरी फिशिंग फोरेस्ट्री दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर सो द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर क्लियर अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिल रहे हैं इसमें डेयरी भी आ सकता है फिशिंग फोरेस्ट्री ये सभी इसमें आ सकते हैं जैसे अगर मैं डायरी की बात करूँ वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स सो द प्रोडक्ट हेयर मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट Similarly, minerals, ores are also natural products. So, these are belong to the primary or the uh, agriculture sector. Clear? So, this is the primary sector, and the other name of primary sector is the agriculture sector. Next, here the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है इसमें वो एक्टिविटीज आती हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर देती हैं और किसी और फॉर्म में ले आते हैं और तरीका क्या होता है प्रोसेस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का कि हम उसे इंडस्ट्री में ले जाकर जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग है इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी ये प्राइमरी से अगला स्टेप है द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूसड बाई नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज असेंशियल ठीक है अगर कोई भी क्रॉप या कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर वो प्राइमरी सेक्टर में बन रहा है या अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू प्रोसेस के थ्रू जो है हम उसे चेंज कर सकते हैं जैसे कि अगर दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री और अ वर्कशॉप और एट होम ये फैक्ट्री में भी हो सकता है वर्कशॉप में हो सकता है होम पे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट हम उसे स्पिन करेंगे यान करेंगे और उसके बाद हम वीव Cloth. They say using sugarcane as a raw material we make sugar or good clear so these sector gradually became associated with the different kinds of industrial that came up it is also called the industrial sector so the other name of secondary sector is the industrial sector the other name of primary sector is agriculture sector the other name of secondary sector is industrial. सेक्टर आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक थर्ड कैटेगरी भी है एक्टिविटीज़ की दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी सेक्टर और ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ये वो सेक्टर है जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डवेलप हो सकते हैं क्लियर फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूज इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक्स और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन द होल सेल एंड रिटेल शॉप सो इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस क्लियर सो वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है अगर मैंने प्रोडक्शन की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुआ अब मुझे उसको सेल करना है तो उसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन की यूज की ज़रूरत होगी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऑर्डर लेना है किसी से या अगर मैंने बनाया है तो मुझे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है या कंपनी बनानी है तो मुझे लोन की ज़रूरत पड़ेगी सो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी सेक्टर Means ये हमें services provide कर रही है जो सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर तो यहीं से जो है हम टर्शरी सेक्टर का अदर नेम क्या है सर्विस सेक्टर सो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर दैट इज प्राइमरी प्राइमरी का सेकंड नेम क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर सेकंड है हमारा सेकेंडरी एंड व्हाट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग और द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द थर्ड वन इज द टर्शरी सेक्टर एंड द अदर नेम ऑफ द टर्शरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर बिकॉज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू अस ओके

क्लियर सो दिस सेक्टर इज़ अनऑर्गनाइज एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्नीस ये अनऑर्गनाइज है टाइम का कोई लिमिट नहीं है दिन रात काम चल रहा है और जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज हो रही है पुराने टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फिशिंग एंड माइनिंग क्लियर नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी सेक्टर इट इंक्लूड दोज़ एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अदर फॉर्म्स बाय मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम गुड्स को जो प्राइमरी सेक्टर में बना है प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बाय प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजेंगे या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का होगा उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनकर आएगा वो किस में हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर सो इट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग गुड लाइक्स क्लोथ ब्रेक्स शुगर एटसेट्रा ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो इसलिए इसका नाम क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस सेक्टर इज organized एंड यूज बेटर टेक्निक्स ये सेक्टर क्या है ऑर्गेनाइज है एक टाइम लिमिट है कि सुबह नाइन टू फाइव जो है वो वर्क वर्कर जो है वो वर्क करेंगे और रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे तो दिस इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ आर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एटसेकट्रा नाउ द थर्ड वन इज द टर्शरी सेक्टर दिस सेक्टर प्रोवाइड यूजफुल सर्विसज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर वर्किंग क्लियर कि अगर टर्शी सेक्टर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी का वर्क चल ही नहीं पाएगा स्मूथली इट डजेंट प्रोड्यूस गुड बट जनरेट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एटसेट्रा ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एटसेट्रा एंड ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड यूज बेटर टेक्नीस सर्विस आपको पता है कि आज के टाइम में कितनी सर्विसेज हमें हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं सो एग्जाम्पल ऑफ टर्शी सेक्टर एक्टिविटीज़ आर बैंकिंग इंश्योरेंस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा और अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सब इसेंशियल सर्विसज दैट मे नोट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जैसे कि सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसी सर्विसज भी हैं इसेंशियल सर्विसज भी हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं किसी गुड की फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसज जैसे वॉशरमैन बार्बर कॉबलर लॉयर क्लियर सो क्रिएटिंग न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट कैफे ए टी एम बूथ्स कॉल सेंटर्स सॉफ्टवेयर कंपनीज दीज आर बिकम इम्पॉर्टेंट सो ये सभी जो है हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर आपको आपको देख रहे हैं चेक कर रहे हैं दैट वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बारबर है कॉबलर है लॉयर हैं इसी तरह से आज आईटी का इतना ज़्यादा रिस, रिसोर्स है तो जिसकी वजह से हम इंटरनेट कैफ़े यूज़ करते हैं एटीएम हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कॉल सेंटर्स हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं सो दीज आर बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर सो हेयर दे आर द पिक्चर्स ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर क्लियर सो नेक्स्ट है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स अब हम इन तीनों सेक्टर्स को जो है आपस में कंपेयर करते हैं क्या है द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में जो है बहुत ज्यादा नंबरिंग होती है जिसमें प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसज तीनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को सो देर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक नॉट एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूज एंड सोल्ड ऑल्सो नोट टू नीड्स टू बी काउंटेड लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन लेने वाली बात यह है कि जितनी भी प्रोड्यूज हो रही हैं गुड सर्विस जो भी प्रोड्यूज हो रहा है उसको एक साथ काउंट नहीं किया जा सकता और उनको काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है इट मेक्स सेंस ओनली टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट किया जाना चाहिए ये नहीं है अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि टेन थाउजेंड के जी ऑफ वीट जो है वो एट रुपीज़ पर के जी के हिसाब से मिल रहा है सो द वैल्यू ऑफ वीट विल बी रुपीज़ एटी थाउजेंड सो द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड कोकोनट एट रुपीज टेन पर कोकोनट विल बी रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप जो फाइनल आई है उससे हम उसको हम काउंट करेंगे हम हर चीज को काउंट नहीं करेंगे फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फोर रुपीज एट पर के जी द मिल ग्राइंड द वीट एंड द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फोर रुपीज टेन पर के जी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है कि जो फार्मर है वो अपनी गुड्स को जो जो उसने वीट है उसने उसको एक फ्लोर मिल को एट रुपीज़ पर केजी में बेचा सो द मिल ग्राइंड द वीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फोर रुपीज़ टेन पर केजी और उसके बाद जो फ्लोर मिल है उसने ग्राइंड करके उसको जो है जो फ्लोर था वो बिस्किट कंपनी को टेन पर के पर कर बेच दिया सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल गुड्स अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर जैसे कि चलो अभी यहाँ पर उसने बेच दिया सो so जो बिस्किट कंपनी है उन्होंने फ्लोर और अदर थिंग जैसे लाइक शुगर ऑयल और, और फोर पैकेट्स उन्होंने बिस्किट के प्रोड्यूस किए सो इट सेल बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फोर रुपीज़ सिक्सटी यानी कि फिफ्टीन रुपीज़ पर पैकेट क्लियर सो बिस्किट आर द फाइनल गुड अब बनकर क्या आया है कंज्यूमर के पास क्या चीज पहुंची है ना तो वो फ्लोर पहुंचा था ना शुगर अलग से पहुंचा ना ऑयल अलग से पहुंचा कंज्यूमर ने क्या खरीदा बिस्किट सो बिस्किट इज द फाइनल प्रोडक्ट क्लियर सो वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड तो क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट की जानी चाहिए बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को बनाने में यूज होती हैं सो द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम जो हमारे देश की इनकम के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता क्यों नहीं किया जाता टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वीट सेपरेटली इज देअर फॉर नॉट करेक्ट बिकॉज दैन वी वुड बी काउंटेड द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स फर्स्ट वीट देन फ्लोर देन फाइनली बिस्किट अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करते रहेंगे तो वो बार बार काउंटिंग में आती रहेगी ठीक है तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ईयर पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर इसीलिए एक साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उनकी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को प्रोड्यूस किया जाता है सो द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री जब इन सारी प्रोडक्शंस की सम्स को का मतलब इन सबको तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्ट बने हैं प्रोडक्शन हुई है उन सबको जब काउंट किया जाता है प्लस किया जाता है तब एक कंट्री का जीडीपी मेजर किया जाता है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ़ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनमी इज तो ये हमारे ये क्या है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है एक कंट्री के अंदर जब एक पर्टिकुलर ईयर में काउंट की जाती है तो वो शो करती है जीडीपी और एक जीडीपी से ही पता लगता है कि एक इकॉनमी एक देश की जो अर्थव्यवस्था है जो उसकी इकॉनमी है वो कितनी बड़ी है अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है जीडीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर इकॉनमी उनकी अच्छी है अगर नहीं हो रही है तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है क्लियर सो इन इंडिया द माम टास्क ऑफ मेजरिंग जी डी पी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री तो जो जी डी पी को काम करने का जो किसके पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वैल्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसिज एंड देन एस्टिमेट द जी डी पी तो जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है मिनिस्ट्री है उनका हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अपना डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ से तो हर स्टेट की जो ये डिपार्टमेंट है जीडीपी के लिए जो डिपार्टमेंट है वो हर स्टेट की जो है जितनी प्रोडक्शन हो रही है वो काउंट करता है और अपने अपने एरिया की काउंट करते हैं अपनी स्टेट की अपनी यूनियन टेरिटरी की और फिर वो सेंटर गवर्नमेंट को भेज देते हैं और सेंटर गवर्नमेंट जो है वो सबका समअप करके ये बताती है कि कितनी जी है एक कंट्री की क्लियर तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर है रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो